हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तवहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप लोग सबको मेरा प्रणाम नमस्कार और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद्गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्ष बाय वर्ष श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का श्लोक संख्या है भगवद्गीता चैप्टर 4 श्लोक संख्या 24, चैप्टर 4 टेक्स्ट 24। तो जिनके पास भगवद्गीता है आप कृपया अपना कॉपी खोल दीजिए, जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो कॉपी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग फ्रॉम भगवद्गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है। आई ऑलवेज से दिस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस एंड जो 100% कृष्ण कॉन्शियस है उनके बारे में कह रहे हैं कि उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती। मीन्स भगवान कृष्ण ये गारंटी कर रहे हैं, लॉर्ड इज गारंटिंग। क्या गारंटी दे रहे हैं? ये गारंटी दे रहे हैं कि जो 100% कृष्ण कॉन्शियस है those people will achieve him, वो लोग भगवान को श्योर शॉट प्राप्त करेंगे। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कैसे? कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए। कृष्ण भावनामृत कर्म बेसिकली इज एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियस, मतलब जो भगवान के कर्म भी करे और भगवान के बारे में सोचते हो, जो करे भगवान के लिए करे, दैट इज एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत कर्म, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। बेसिकली एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का प्रिंसिपल और कंडीशन यहाँ पे बताया गया है। एक कर्मी क्यों काम करता है? कर्मों के लिए। यदि वो कोई काम करे, कोई कर्म करे, तो उसको रिएक्शन मिले। यस, मैं जॉब करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, मैं कुछ ये कर रहा हूँ, कोई भी कार्य कर रहा हूँ, सो आई एक्सपेक्ट उसका रिएक्शन मुझे मिले। यू नो, मुझे कुछ चाहिए है उसके बदले में, इसलिए मैं वो कर्म कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दोस। पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण भक्त जो 100% कृष्ण डिवोटी है, सकाम भक्त भी होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, लेकिन 100% डिवोटी ऐसे लोग
जो कार्य करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। मीन्स दे जस्ट वॉन्ट टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा, अपने लिए नहीं करते वो, दे डोंट डू इट फॉर देमसेल्व्स। सो जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल भी दिया है इधर, क्या दिया है कि यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य के रहती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक है, उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। ये जो ब्रह्म ज्योति और ये जो निराकार लोग जो बिलीव करते हैं, बोलते हैं ना कि भगवान का रूप नहीं है, हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, सो ये ब्रह्म ज्योति इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ कृष्णा, भगवान का ही एनर्जी है, बट ये वो एनर्जी है जिसमें हम विलीन नहीं होना चाहते। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग मोर हायर, हम ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर जाना चाहते हैं। कहाँ जाते हैं हम? कहाँ जाना चाहते हैं हम? भगवान के परम धाम में जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गेट आउट, वी वॉन्ट टू गो अप, ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर। सो यह उदाहरण दिया गया है कि जिस तरीके से कोई बोलता है कि अरे कर्मों से या कार्यों से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है जब आप कार्य करके ही इस दुनिया में बंधित रहोगे। सो जिस तरीके से दूध, यदि कोई ज़्यादा दूध पी लेता है तो क्या होता है, डायरिया हो जाता है, गर्म पेट में गर्मी हो जाती है तो वो दूध पचता नहीं है। लेकिन वही जब पेट खराब हो जाता है तो पेट ठीक करने के लिए क्या पीना पड़ता है उसको? दूध का बाय प्रोडक्ट, दैट इज दही। व्हाट इज दही? इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। सो वही दूध जो पेट खराब करता है दही के रूप में उसको सुधार देता है। उसी प्रकार से वही कर्म जो आपको इस दुनिया से बाइंड कर देंगे, अटैच कर देंगे, वही कर्म आपको फ्री कर सकते हैं यदि आप कृष्ण भावनामृत या उसको कर्म को कृष्ण कॉन्शियस बना दो। तो दैट इज द मीनिंग, दैट इज द क्रक्स, दैट इज द कोर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति का ये एकमात्र कोर है, आधीन है। सो यस, भगवान श्री कृष्ण और क्या कह रहे हैं कि यह सब मिलकर ब्रह्मा या परम सत्य है, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। किसे समाधि कहते हैं? व्हाट इज समाधि? व्हेन द माइंड, जब मन पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत या कृष्ण की सेवा में लगा हो, व्हेन द माइंड इज फुल्ली एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट सिचुएशन, दैट स्टेज, उस स्टेज को समाधि कहेंगे। सो लोग एक्चुअली योगा क्यों करते हैं? व्हाई डू पीपल प्रैक्टिस अष्टांग योगा? बताइए, अष्टांग योगा का लास्ट स्टेज क्या है? समाधि। सो वैसे वास्तव में जो लोग भक्ति योगा करके समाधि अचीव कर लेते हैं, यानी कि भक्ति योगा करके भगवान श्री कृष्ण को की चेतना और चिंतन में रहते हैं, दीज पीपल आर ऑल्सो इन समाधि। ठीक है, सो आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योग दान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल या सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। व्हाट इज द विधि ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? दैट एवरीथिंग परफॉर्मर, परफॉर्मेंस, रिजल्ट, गेन, कर्ता, सब कुछ, योग, कर्म, सब
दे ऑल बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस. सो दैट इज द एसेंस. ये कृष्ण भावनामृत का एसेंस है. सो यस, इसके साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं. आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज पे शेयर कर सकते हैं. आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे. तब तक के लिए एक अनाउंसमेंट जाने से पहले कि हमारा डेली भगवद्गीता रीडिंग हो रहा है हिंदी में वर्ष बाय वर्ष. उसके साथ साथ हम बच्चों के लिए एक कोर्स कर रहे हैं. वी डूइंग अ स्मॉल 5-day भगवद गीता कोर्स फॉर चिल्ड्रेन. सो वो डिटेल्स आप लिंक में पा सकते हैं नीचे. रजिस्टर कीजिए, एनरोल कीजिए और अपने बच्चे लोग को भी भगवद गीता सिखाइए. चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.